हे गाइस, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 5th ऑफ अगस्त से जिम्स खुलने वाली है। लेकिन कैच इसमें ये है कि जिम्स सिर्फ ग्रीन जोन्स में खुलेंगी। मेरे ख्याल से ऑरेंज जोन एंड रेड जोन में जिम खुलने के चांसेस अभी कम हैं। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई थी, मैंने इसी न्यूज़ को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर किया था एंड मैंने लोगों से पूछा था क्या जिम्स खुलने के बाद आप जिम्स जाओगे इवन ड्यूरिंग कोविड। तो 50-50 चांस थे, कुछ लोग कह रहे थे इट्स नॉट सेफ, कुछ लोग कह रहे थे यस हम लोग जाएंगे। तो उसी स्टोरी के बाद मुझे ये आइडिया आया कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज जो भी लोग जाएंगे उनको पता तो होना चाहिए उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए ताकि वो जो वायरस है उससे वो इन्फेक्ट ना हो जाए। तो भाई आज की इस वीडियो में बताऊंगा 7 पॉइंट जो कि आपको फॉलो करने ही करने होंगे अगर आप कोविड के दौरान जिम जाने की सोच रहे हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई जो भी स्लॉट आपको जिम मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है आपको उसी स्लॉट में जाना है, आपको आगे पीछे नहीं करना। जो भी स्लॉट आपको जिम मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्स आपकी कंफर्मेशन से आपका फिक्स होगा, लेकिन जो भी स्लॉट आपको प्रोवाइड हो जाता है आपको उसी स्लॉट में जाना है। तो अब इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है इवन इन द जिम। तो मैं देखता हूँ कुछ लोग जिम्स में बात करते हैं, तो भाई अगर आप बात कर रहे हो तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है इन द जिम। लेकिन भाई बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप बात करने जिम में जा रहे हो तो भाई जिम जाने का फ़ायदा ही क्या है, आप घर बैठे अगर आप बात करने जा रहे हो तो भाई अगर आप जिम जा रहे हो तो भाई वर्कआउट करो, वर्कआउट काम ख़त्म करके वहाँ से घर जाओ। अब इसी में थर्ड पॉइंट आता है कि भाई आपको मास्क वियर करना है ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आप कुछ लोग कहेंगे क्या मास्क वियर करना है ड्यूरिंग वर्कआउट, तो भाई अगर आप प्रॉपर आपकी बॉडी साथ देती है विद मास्क आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपकी जिम प्रॉपर वेंटिलेटेड है, प्रॉपर एसी है, बड़ा स्पेस है, तो ऑफकोर्स आप मास्क के साथ वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मास्क के साथ अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो अवॉइड करो, लेकिन अगर आप वर्कआउट कर सकते हो मास्क के साथ तो फॉर श्योर विद मास्क वर्कआउट करो। जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेक श्योर करिएगा आप फोर्थ पॉइंट जरूर ही इंप्लीमेंट करें अगर आप जिम जा रहे हो। तो सबसे पहला है कि आपको ग्लव्स पहनने, ग्लव्स पहन के आपको वर्कआउट करना है। एंड सेकेंड चीज़ आपको हैंड ग्रिप पहननी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ग्लव्स क्यों कहा पहनने को, लेकिन आप लोग ये नहीं पता कर पा रहे होंगे मैंने हैंड ग्रिप क्यों कहा पहनने को। तो यहाँ पे ग्लव्स का सबको यूज़ पता होगा, हैंड ग्रिप का किसी को यूज़ नहीं पता। तो मैं हैंड ग्रिप का यूज़ बता दूँ, आपका जितने भी स्वेट आ रहा होगा आपको फेस पे वो सबको आपको हैंड ग्रिप से वाइप करना होगा। तो भाई अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि आपको कोई भी पर्सनल आइटम, पर्सनल चीज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। एंड सेम वे कोई भी उनकी चीज़, कोई भी दूसरे पर्सन की चीज़ यूज़ नहीं करनी। जितनी भी आपके पास चीज़ें उसी से आप अपना काम चलाइए, जस्ट लाइक बॉटल्स हो गई, बैग हो गया, मैट हो गई, ये सब चीज़ें आपको अपने ही यूज़ करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो मेक श्योर करिए अवॉइड करिए यूज़ करना, लेकिन शेयर करिए मत। एंड द सिक्स पॉइंट इज़ आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है जिम में। ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि आपको सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि आप ज़्यादा खुले खुले कपड़े पहन के ना जाओ। खुले खुले कपड़े मीन्स बहुत लोग मैंने देखा है कि वेस्ट पहन के वर्कआउट करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोविड मैं रिकमेंड करूंगा वेस्ट एंड ऑल पहन के वर्कआउट मत करो, प्रॉपर फुल स्लीव्स या फिर हाफ स्लीव्स पहन के वर्कआउट करो। हे गाइस, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। ऑल्सो अगर आपके माइंड में कोई भी पॉइंट है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ऑल्सो भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, मेक श्योर हिट द लाइक बटन। आज मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 15 लाइक्स। तो भाई लाइक करे बिना मत जाना, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहूँ। तो भाई अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एक ही अकाउंट है ऑफिशियल वर्कआउट इंडिया। ऑल्सो भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, लाल कलर का बटन आएगा भाई, उस पर सैनिटाइजर फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। तो आज के लिए इतना ही, आई हर चौरसिया साइनिंग ऑफ।